नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने तो अपने बचने का इंतजाम कर लिया है, आप कैसे बचेंगे? दिल्ली में कहा जा रहा कि गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से 25 लोगों की मौत हुई है। वही मुंबई में एक अस्पताल में आग लगने से 13 लोगों की मौत हुई है। वही सुप्रीम कोर्ट ने फिर टांग अड़ा दिया है। जस्टिस बोबड़े साहब अब रिटायर होने वाले हैं, हरीश सालवे उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ आदेश पारित किए थे कि अकाउंटेबिलिटी तय हो, जो लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं उसके लिए सरकार दोषी है। फिर क्या था, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, क्योंकि सरकार को बचने का तरीका चाहिए। लेकिन अमित शाह और मोदी ने अपने बचने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। कल मैं टीवी देख रहा था, दिलीप मंडल ने 2 दिन पहले ही लिख दिया था कि सारे चैनलों को कह दिया गया है कि कहीं से भी अव्यवस्था की खबर ना दिखाए, कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। सारे अस्पतालों के बाहर भीड़ है, सड़क पर सिर्फ एम्बुलेंस है, लोग बेमौत मर रहे हैं और ज्यादातर लोग बिना ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं, जो बच सकते थे इलाज की वजह से। लेकिन न तो अस्पताल है, न ऑक्सीजन है, न किसी तरह की तैयारी है, न दवाई है, न सुई है, गैस सिलेंडर, सब कुछ आत्मनिर्भर कर दिया गया। आपकी बीमारी आप जाने। प्रधानमंत्री ने अपने बचने का तरीका निकाल लिया है। कल मैंने NDTV देखा, ABP देखा, आज तक देखा, तमाम चैनल देखा, सबको कहा दिया गया है कि पॉजिटिव न्यूज चलाइए। आपको दिखाया जाएगा कि कैसे ऑक्सीजन आ रहा है तो उसको कॉरिडोर किया जा रहा है, कैसे जहाज में ऑक्सीजन के ट्रक घुस रहे हैं। भैया, ये कब हो रहे हैं, इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं थी? लेकिन वो नहीं दिखाएगा जो अस्पतालों के बाहर हो रहा है, जो सड़कों पर हो रहा है, क्योंकि उससे सरकार की छवि खराब होती है, सरकार का बोर्ड खराब होता है, सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा भड़केगा। मैं फिर कह रहा हूं, मोदी को हराना है तो मीडिया को हराना होगा। मैं फिर कह रहा हूं, मोदी को सुधारना है तो मीडिया को सुधारना होगा। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी RSS का 2 कार्यकर्ता आपके घरों में बैठा है, एक TV और एक अखबार, एक मेहता है आलोक मेहता, आउटलुक में बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने तो कह दिया कि किसी भी तरह से जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उन पर बैन लगना चाहिए। वो सब खबरें दिखाऊंगा, लेकिन कुछ और खबरें कि किस तरह से लगातार जो है वो इस देश को बर्बाद कर दिया गया है, किस तरह से आपको अपने हाल पर छोड़ दिया गया मरने के लिए और आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन सोशल मीडिया है, जब उसने बैंकों में कतार लगवाई थी तब भी विरोध करते, तो आज शमशानों में कतार लगाने की नौबत नहीं आती। तो ये तमाम जो वो खबरें हैं जो लोग शेयर कर रहे हैं, मैं आज को आपको बता दूं, सारी बड़ी खबरें जो आज सबसे ज्यादा है, देखिए, CGI शरद बोबरे एंड हरीश सालवे स्टडीड इन द सेम ST फ्रांसिस डी स्कूल नागपुर, सेम बैच 1972। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हरीश सालवे दोनों दोस्त हैं, खास दोस्त हैं, एक ही कॉलेज में पढ़े और दोनों केंद्र सरकार को, अभी तो हरीश सालवे ने कहा भी था कि PM से उसके अच्छे संबंध है, तो ये दोनों सरकार को बचा रहे हैं। इसलिए ये देखिए, अजीत अंजुम ने कहा है, पत्रकार मीडिया के जरिए आपको खबर से अलग किया जा रहा है, लेकिन इस देश में कोई ऐसा आदमी है जिसका कोई रिश्तेदार, जानने वाला या उसका अपना कोई पीड़ित ना हो? आलोक मेहता कहता है, वेन होल इंडिया इज सीरियस ट्रबल, कुछ लोगों को बात करने के लिए मना कर दिया जाए। इसलिए अजीत अंजुम ने लिखा है, सर अब मर्यादा भूल रहा हूं आपके लिए, कांग्रेसी राज में 30 साल तक आपने नेताओं को खुश रखने वाली पत्रकारिता की दरबारी रहे, मंत्रियों से सेटिंग वाली खबरें करवाते रहे, कितने नेताओं के नाम लिख दो, पद्मश्री पाया, वही काम 2014 के बाद आप पाला बदल कर रहे हैं पूरी निर्लज्जता के साथ। तो ये पत्रकारों के जरिए मीडिया मैनेजमेंट किया जा रहा है ताकि मोदी के खिलाफ देश में गुस्सा न भड़के, ये पूरी कोशिश हो रही है। ये देखिए, पटना में तरफ तरफ कर एक मरीज की मौत हो गई है, और ये देखिए, ये खबरें आपको दिखाई जाएगी, सरकार कर रही है, ऑक्सीजन एयरलिफ्ट किया जा रहा है। भैया, कद्दू तब रोपेंगे जब बेटी की शादी हो, 1 साल से क्या कर रहे थे, 6 साल से कितने अस्पताल बनाए, मंदिर बना दिए, बड़े बड़े स्टैचू बना दिए, स्टेडियम का नाम बदल दिया, अस्पताल कितने बनाए, दिल्ली में एक भी नया केंद्रीय सरकार ने अस्पताल नहीं बनाया है। 25 पीपुल डाइड गंगाराम बिकॉज लो ऑक्सीजन, ये खबर आ रही है।
ये प्रहलाद पटेल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इनसे एक शख्स मां के लिए भीख मांग रहा था, इन्होंने कहा 2 लाफा रख के दूंगा। ये है केंद्रीय मंत्री का हाल। अरे देखिए, डॉक्टर उदित राज ने एक पोस्ट लिखा है, उसको पढ़िए। यदि 14 दिन के लिए मीडिया वालों को क्वारंटाइन कर दिया जाए तो देश की 90% समस्या हल हो जाएगी। मीडिया को लगा दिया है, विनोद का अपने लिखा है। देश को एक बात समझ लेनी चाहिए, पिछले 4-5 दिन से जो हजारों मौतें हो रही है उनमें से ज्यादातर मौत कोरोना से नहीं, ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। और पतंजलि कोरोनिल याद है, बाबा रामदेव के यहां पॉजिटिव लोग मिले हैं, 80 के करीब लोग, 83 लोग पॉजिटिव मिले हैं। सोचिए उनके अपने स्टाफ का इलाज होगा कोरोनिल से। ये देखिए एक और विनोद का, एक बात गांठ बांध लीजिए, 1000 मरिया 1 लाख, ये सिस्टम ऐसा ही था और सिस्टम बदलेगा नहीं बदलेगा तभी बदलेगा, बस सत्य आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के झगड़े से हटकर स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के लिए वोट करेंगे, ये तो बाबा साहब ने संविधान में कहा है। और ये देखिए, कोविड संक्रमित हैदराबाद के लाल दरवाजा मंदिर के मुख्य पुजारी को बेड नहीं मिला। आपको अब भी लगता है कि भगवान आएंगे मंदिर से बच जाएंगे आप? यही हुआ था जब जब अक्षरधाम मंदिर को लूटा जा रहा था, जब गुजरात में धार्मिक कर्मकांड में हम लोग फंस गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जिन लोगों को विज्ञान पढ़ना चाहिए था, जो कामगार थे, SC ST OBC माइनॉरिटी, किसान, लोहार, जो मेहनत कश लोग थे जिनको विज्ञान पढ़ना चाहिए था उनको पढ़ने नहीं दिया गया, और जो पंडित पुजारी थे, कर्मकांडी थे, वो धर्मशास्त्र में विज्ञान खोजते हैं। किसी ने कहा है, सूर्यपुत्र की कहानी सुने, एक 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 कर्मकांडी था पुजारी, उसकी बेटी गर्भवती हो गई, वो बिन ब्याही थी, तो उसने अपनी बेटी से पूछा कि ये गर्भ कहाँ किसका है, कैसे तुम प्रेग्नेंट हो गई? तो उस लड़की ने कहा कि मैं सूर्य को जल देती हूँ, हो सकता है ये सूर्य पुत्र हो। तो उस पुजारी ने कहा कि मैं दुनिया को मूर्ख बनाता हूँ, तुम मुझे मूर्ख बना रही हो। सोचिए कहानी है। ये बीजेपी व्यापारी प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये देखिए इनका नाम है विनीत अग्रवाल। ये बीजेपी के लिए प्रचार कैसे कर रहे थे देखिए शख्स, और अब क्या आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अभी मैंने स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप जी से फोन पर वार्ता की, हमारे 2 मरीज आगरा प्रभा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, मंत्री ने बहुत गंदा जवाब दिया है। ये हो रहा है व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के साथ, आप कल्पना कर सकते हैं क्या चल रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, ये अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, रोड पर लोग मरने के लिए मजबूर हैं, रोड पर लोग मरने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ये मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि उनको कह दिया गया है कि आपको पॉजिटिव खबरें दिखानी है। ये देखिए, देश में हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाने वाले के मुंह पर करारा तमाचा, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। ये आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। देखिए, भोपाल कोरोना के डर से परिजन नहीं आया, दानिश सद्दाम ने 60 हिंदुओं का अंतिम संस्कार किया, ये था भारत। और ये राइटर्स की तस्वीर है, 2 विंडो में रीडर दिखाएं, देखिए किस तरह से इस देश की। वो छोड़िए, विनोद कापरी का एक और ट्वीट है, दिल्ली कवर करने वाले एक पत्रकार ने अभी बताया कि जितना आप देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, 95% संस्थ तो कोरोना सरकार की डर की वजह से रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है। सरकार ने कह दिया है कि किसी भी केस को रिपोर्ट ही नहीं करना है। आप सोचिए किस तरह से खबर छुपाया जाए, पैसे की इतनी हवस, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, 9 करोड़ रुपए में 9300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बांग्लादेश के हाथों भेज दिया गया, विदेश में भेज दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, ठेला पर सब लिया जा रहा है। ये 2 तस्वीर काशी में, जिसका कोई नहीं उसका अमन कबीर, कोरोना मरने वालों को अपनी छोड़ देते हैं तो काशी का एक कबीर उनका दाह संस्कार करता है, कबीर की धरती है। इसलिए मैं कहता हूं फूले पेरियार अम्बेडकर रविदास कवि। इसी तरह से पुणे में प्लेग फैला था तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कोई ब्राह्मण घर से न निकले, माता सावित्री बाई फुले और उनका डॉक्टर बेटा यशवंत ने मानवता की सेवा करते हुए दोनों मौत को प्राप्त हुए थे, शुक्रिया कबीर। लखनऊ शेखर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, मरीजों को वेंटिलेटर से हटा दिया गया, ये देखिए ठेला से सब ले जाया जा रहा है, क्या हो गया लखनऊ को, SGPI में RT-PCR कराने के लिए ये हाल है। तो ये वो तमाम खबरें जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मैं कह रहा हूं ये खबरें बहुत जरूरी हैं, इसी खबर को रोकने के लिए मीडिया को मैनेज कर लिया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी ने अपने बचने का इंतजाम तो कर लिया है, आप कैसे बचेंगे सोचिए, आपको तो दवाई चाहिए, आपको बेड चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, गरीब लाचार को जिसका काम बंद है उसको खाना चाहिए,
लेकिन मोदी जी को चाहिए प्रचार, मोदी जी को चाहिए अच्छी खबरें, ताकि जनता उनके खिलाफ न भर के, ये सरकार सिर्फ टीवी और अखबार के बदौलत चल रही है। और मरीज को तड़पते देख स्ट्रेचर लेकर दौड़े विधायक, भोजपुर जिला के अगियांव विधानसभा के विधायक मनोज मंजिल, ऐसा जनप्रतिनिधि ही युवाओं का आदर्श हो सकता है। आरजेडी के विधायक हैं और लगातार लोगों की मदद करते रहते हैं, ये बहुजन समाज से हैं। और ये देखिए 25, ये पीटीआई की खबर है, 25 लोगों की मौत है। और ये देखिए इतनी शर्म तो साहब के पास भी नहीं बची है। कोरोना की दवाई चोरी करने के बाद जब चोरों को पता चला कि यह कोरोना की दवाई है तो पुलिस स्टेशन छोड़कर गया था, साथ ही लेटर छोड़ा कि सॉरी पता नहीं था कोरोना की दवाई, वापस कर गए। आप सोचिए, लेकिन फडणवीस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के नेता गुजरात में अपने घर पर दवाई रख लेते हैं। टीकाकरण के लिए बजट में आवंटित 35,000 करोड़ रुपए अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निगल गए, जो अब राज्यों को 400 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 प्रति टीका खरीदने की बात की जा रही है। सोचिए 35,000 करोड़ बजट में प्रावधान हुआ था टीका के लिए, फिर क्यों बेचा जा रहा है? और ये देखिए, अब तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, पूर्व चुनाव टीएन सेशन की तरह। सोचिए चुनाव आयोग कैसे गुलाम बन गया था। सोचिए कोलकाता हाईकोर्ट के कहने के बाद भी कहा जा रहा है कि 500 की रैली कर सकते हैं, अब मोदी जी ने अपनी रैलियां कैंसिल कर दी। सब डैमेज कंट्रोल है, इस सबसे आपका ऑक्सीजन नहीं बच जाए मिल जाएगा। तो ये तमाम खबरें दिखा रहे हो। देखिए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के साथ पुलिस वालों ने मारपीट किया, ये गलत है। और ये देखिए उत्तराखंड के जो 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 मुख्यमंत्री हैं, जो जीन्स वाले, फटी जीन्स वाले, वो कह रहे हमें वेदों की ओर लौटना होगा, जहां ऋषि मुनि सालों तक बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते थे। ऐसे ऐसे नमूने भरे हुए हैं बीजेपी में। जिस बच्ची ने अपना गुल्लक तोड़कर उसके सारे पैसे पीएम केयर फंड में दिया, आज उसका परिवार ऑक्सीजन के लिए तरहिमाम कर रहा है। ये देखिए पिछले 1.25 साल में भारत के किसी चैनल ने अगर हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सप्लाई, हेल्थ बजट बढ़ाने पर एक शो किया हो तो कृपया उसका यूट्यूब लिंक भेजे। किसी का नाम नहीं, शो का फोटो नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब लिंक। लिंक न मिले तो मुझे गाली देकर आगे बढ़ जाएं। और बात पते की, ऑक्सीजन हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, ऑक्सीजन हमें राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र, ये बहुत ज्यादा। और ये देखिए किस तरह से लगातार, ये देखिए लगातार लोग की पिटाई। ये तस्वीर कश्मीर में प्लॉट नहीं मिला पर यहां मिल गया, लोग शेयर कर रहे हैं, दूसरे को तंज कर रहे हैं। और ये वो तमाम खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं, क्योंकि ये तमाम बातें जो हैं वो मीडिया नहीं दिखाएगा, मीडिया को मैनेज कर लिया गया है। अब मीडिया सिर्फ पॉजिटिव खबरें दिखा रही है ताकि आपका गुस्सा न भर के। और ये देखिए, लेकिन वही दुनिया भर के जो न्यूज एजेंसियां हैं, देश विदेश में एक बार फिर से बजी मोदी की डंक। एपी, एसोसिएटेड प्रेस, द डॉन, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्रिटेन द गार्डियन, ये तमाम अखबार बखिया उधेर रहे हैं। सहानुभूति के लिए जल्द ही माननीय मोदी जी कोरोना संक्रमित होने वाले हैं, पूरे देश की दुआएं जो चाहिए। आखिरी 2 चरण बंगाल चुनाव के लिए, सोचिए लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के बारे में एक नई खबर फैलाई जाएगी कि उनको कोरोना पॉजिटिव है, ताकि उनके प्रति गुस्सा कम हो जाए। ये तमाम, और ये देखिए, ये मनीषा बांगर ने शेयर किया है, ग्रैंड सैल्यूट टू डॉक्टर प्रशांत पाटिल, एचओडी मेडिसिन, जीएमसी नागपुर। तो बहुजन समाज के लोग, SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग भी सरकारी अस्पताल चला रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपको लेकर आया था। ये देखिए पीएम की बंगाल में कल आखिरी रैली, 4 रैली थी, उन्होंने वो कैंसिल कर दी जिनमें 500 लोगों को ही रहना था। ये सब आखिर किसके लिए? आप लोग की सेहत के वास्ते, हाई लेवल मीटिंग के लिए। अब मत बोलना कि बंगाल में लगे रहो, दुनिया याद करेगी सर आपको इस त्याग के लिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सोचिए, और ये अमित शाह की फोटो देखिए रैली में किस तरह से भीड़ है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी। और एक और देखिए, अब किस तरह से नेहरू ऑक्सीजन प्लांट 14 मार्च 1963 की तस्वीर है। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और टीवी अखबार को मैनेज कर लिया गया है ताकि देश को सच्चाई पता ना चले और आप अभी भी सरकार से सवाल ना पूछें। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये लगातार मैं आपको बता रहा हूं। बजट में वैक्सीन के लिए जो 3500 करोड़ थे, पीएम केयर्स का पैसा कहाँ गया? पाकिस्तान के हिंदुओं को नागरिकता देने वाले भारत के हिंदुओं को ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रहे हैं, सूरज यादव ने लिखा है। लोग इन्हीं के काम को, इन्हीं के लिए तंज कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से 27 साल बाद भारत के मार्केट में लौटा जावा कंपनी ने, जो कार किया वो बनियागिरी करने वाले के मुंह पर तमाचा, शानदार पहल। तो लोग जो है वो कंपनियां जो है वो सीधे ऑक्सीजन दे रही है,
सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। और एक वीडियो मैंने देखा है अंजना ओम कश्यप का, वो अमित शाह से ऐसे सवाल पूछे जैसे लग रही है उसके पैरों में लेट गई हो। क्या कह सकते हैं साहब, जब चुना है उसे कातिले हुनर देखकर तो मायूस क्यों हो लाशों का शहर देखकर। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे ज्यादा पाखंडी, सबसे ज्यादा चमत्कारी चरित्र, पर दुनिया का सबसे लाचार देश है हम। काश आज पुस्तक दिन को ना, ये तमाम खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं और ये जरूरी है। और ये देखिए, माली समाज निर्वाण स्थल शमशान वैकुंठ धूमधाम। तो आज भी इस देश में शमशान में भी जाती है, ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक ही जाति के तीन बंदर बने बैठे हैं सारे, एक बिगाड़ेगा, दूसरा देगा, तीसरा मदद करने का ढोंग करेगा। तो जातिवाद पर भी लोग लगातार बोले हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, क्या टीवी अखबार से आप सहमत हैं और मोदी जी ने अपने बचने का प्लान बनाया है? क्या आपको टीवी अखबार पर भरोसा है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।